गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर हूँ ओपी बरवट आपकी रिक्वेस्ट पे। वैदिक मैथ शुरू की है और उसमें मल्टीप्लाई में हमने तीन फॉर्मूले पढ़ लिए, एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण और सूत्र ऊर्ध्व तिरिग्य भ्या। अब उससे आगे का सूत्र निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र में दो मेथड लगते हैं, एक तो बेस मेथड और एक सब बेस मेथड। अब पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेस मेथड, निखिलम का बेस मेथड और इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका होता है नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लें, आधार विधि। और इसका सूत्र संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल। एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए 12 × 30। अब ये टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर का बेस 10, थ्री डिजिट का नंबर का बेस 100, फोर डिजिट नंबर का बेस 1000, फाइव डिजिट नंबर का बेस 10,000। अब इसमें बेस हो गया 10, फिर डेविएशन डी या विचलन। अब देखिए बेस से जितने ज्यादा या कम है, बेस से जितने ज्यादा या कम है ये डेविएशन होता है। यदि ज्यादा है तो प्लस में डेविएशन, कम है तो माइनस में डेविएशन। तो इसका डेविएशन हो गया 2 और 3, दोनों ही प्लस में होंगे। तो आप फॉर्मूला में देखिए नंबर प्लस डेविएशन। अब देखिए आप यदि ये नंबर लेते हैं तो डेविएशन इसका लेना है, और ये नंबर लेते हैं तो डेविएशन इसका लेना है। जैसे आपने नंबर लिया 12 है, तो डेविएशन इसका आएगा प्लस 3 ओब्लिक 2 × 3, तो ये हो गया 15 / 6, तो इसका आंसर आ गया 156। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि बेस मेथड लगेगा या सब बेस मेथड। तो इसके लिए आप देखिए, यदि ये जो डिजिट है ना 10 प्लस डिजिट, यानी जो लेफ्ट वाला लास्ट डिजिट यदि 1 है और 9 है, लास्ट वाला लेफ्ट में डिजिट यदि 1 और 9 है तो लगेगा बेस मेथड। और यदि इनके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 8 हो तो लगेगा सब बेस मेथड। अब इसमें एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे 103 × 97। चलो यहाँ 104 कर देता हूँ, 104 × 97। तो इसमें देखिए बेस इसका हो गया 100, कितना हो गया 100, और डी हो गया
एक तो ये प्लस का 4 और माइनस का 3, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो प्लस का तो हो गया 4 और माइनस का हो गया 7। फॉर्मूला रखिए, नंबर कोई सा भी ले सकते हो आप, जैसे ये नंबर लेते हैं तो डेविएशन इसका, ये नंबर लेते हैं तो डेविएशन इसका। जैसे मान लीजिए हमने लिया 97, तो डेविएशन इसका होगा प्लस 4, यदि ये नंबर लेते हम तो डेविएशन आता माइनस का 3। ओब्लिक 4 इंटू माइनस 3, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, ये हो गया 101 और ये आ गया माइनस का 12। ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ये माइनस में आ जाए, क्या आ जाए माइनस में, तो इसको आपको प्लस करना, और प्लस करने के लिए इधर से कैरी लेंगे, इधर से क्या लेंगे कैरी, और ये कैरी है जो बेस पे डिपेंड करता है। यदि इसका बेस 10 होता तो 1 कैरी का 10, 2 कैरी का 20, 3 कैरी का 30, 4 कैरी का 40। अब यहाँ पे बेस कितना है 100, तो 1 कैरी का 100, 2 कैरी का 200, 3 कैरी का 300। आज आपको डिपेंड वो सोचना है कि कितना कैरी करना है आपको, तो मेरे हिसाब से 1 कैरी से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100, और यह हो जाएगा 100 माइनस 12, तो 100 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 88। अब इसको लिखने का भी यही है, यदि यहाँ पे आपका बेस 100 है तो 2 डिजिट और 10 है तो 1 डिजिट, अब 100 है तो 2 डिजिट, तो इसका आंसर हो गया 10088। ये आपका हो गया बेस मेथड, कौन सा हो गया बेस मेथड। अब देखिए आप सब बेस मेथड, अब आप देखिए सब बेस मेथड, फॉर्मूला सब बेस इंटू नंबर प्लस डेविएशन ओब्लिक प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। उपाधार, हिंदी मीडियम के लिए इसको कहते हैं उपाधार विधि, सूत्र उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 54 इंटू, थोड़ा सा नीचे 54 इंटू 57, अभी 2 डिजिट नंबर है तो बेस तो हो गया 10, सब बेस। अब ज्यादातर तो आपको तरीका एक ही है, जो डिजिट है लेफ्ट वाला ये सब बेस होता है, दूसरे एक और बताएंगे 5 है, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए 5 10 50। अब ये देखिए 50 से कितने ज्यादा है तो डी 4 और 7। फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए फॉर्मूला सब बेस 5 इंटू नंबर 54 प्लस डी 7 ऑब्लिक 4 इंटू 7, 5 इंटू 61 इनको ऐड कर दिया और ये आ गए 28। मल्टीप्लाई कर दीजिए 305 ऑब्लिक 28
अब मैंने आपको कहा कि जो बेस है उसके हिसाब से नंबर लिखे जाएंगे, जो बेस है उसके हिसाब से नंबर लिखे जाएंगे। तो इसका बेस कितना, 10, तो एक ही डिजिट लिखा जाएगा और ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 703। तो इसका आंसर आ गया 3078। एक और एग्जांपल लीजिए आप, जैसे 78 into 83। बेस इसका हो गया 10 और सब बेस, अब सब बेस आप नीचे लिख दूंगा, ऊपर लिख देता हूँ, सब बेस इसका 7 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार, सब बेस इसका क्या ले सकते हैं, 7 भी और 8 भी, बोलो कौन सा लूँ। सब बेस इक्वल्स टू 7 डी। अब डी इसमें यहाँ तो हो गया प्लस 8 और यह हो गया प्लस 13, 8 और 13। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सब बेस 7 इंटू नंबर 78 प्लस 13 ओब्लिक 8 इंटू 13, 7 इंटू 91 और 104 मल्टीप्लाई कीजिए ओब्लिक 104। अब बेस कितने है, 10, 10 है तो एक ही डिजिट लिखा जाएगा 4 और ये 10 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ गया 6474। अब इसमें इसी को मैं दोबारा कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को पुनः कर रहे हैं आप, एक बार दोबारा देखें। सेवेंटी एट इंटू 83 बेस इक्वल्स टू 10 सब बेस, और सब बेस अब मैं ले रहा हूँ, पहले कितना लिया 7, आप लेंगे हम 8, तो डी। अब ये डी में कभी स्मॉल कभी बड़ा लिख देते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो डी अब देखो, ये डी लिया तो 10 एट जा 18, अब 18 से ये तो कम और ये हो गया -2 and 3। फॉर्मूला रखिए, सब बेस 8 इंटू नंबर, जैसे मान लीजिए अब ये लेते हैं 78 प्लस हो गया 3 ऑब्लिक -2 into 3 हो गया 8 into 81 और ये माइनस का 6, 864 और ये माइनस का 6। अब माइनस आ गया तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में, तो प्लस में कन्वर्ट करना है तो आपको इधर से एक कैरी करना पड़ेगा, 1, 2 जितने, क्योंकि ये तो 6 है तो 1 से काम चल जाएगा, तो जाएगा 6, 4, 7 and 10 minus 6, 6, 4, 7 and 4, 6, 4, 7, 4, it is the answer, understand हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपको मल्टीप्लाई सही तरीके से आ गए, यदि आपको मल्टीप्लाई सही तरीके से आ गए तो आप स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर। एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक बता दें, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना बाद में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे 45 का स्क्वायर,
ठीक है, 45 × 45। अब यदि स्क्वायर आपको फाइंड करवा रहा है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें यूनिट डिजिट 5 है, मान लीजिए उसने फॉर्मूले का नाम ही दे दिया कि आप निखिलम से करो, तब तो आपकी मजबूरी हो गई कि आपको निखिलम से ही करना पड़ेगा। लेकिन उसने सूटेबल फॉर्मूला कहा है कि आप सूटेबल फॉर्मूला यूज कीजिए, तो पहले यहाँ पे आपको ज़्यादा ईजी एकाधिकेन पूर्वण रहेगा। कैसे? जैसे एकाधिकेन फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो उसमें होता है निखिलम इंटू उसका एकाधिक, निखिलम इंटू उसका एकाधिक ओब्लिक चरम का प्रोडक्ट, चरम का मल्टीपल, ठीक है, 20 25, तो इसका आंसर हो गया 20 25। लेकिन आप कहेंगे सर निखिलम से करें, तो निखिलम से करो, तो 45 स्क्वायर 45 × 45, तो इसका बेस हो गया 10 और इसका सब बेस हो गया 4 और डी इसका हो गया 5 एंड 5। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सब बेस इंटू नंबर प्लस डेविएशन ओब्लिक प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, देखिए 4 × 50 / 25, तो ये हो गया 20 / 25। इसका बेस कितना है 10, तो एक ही डिजिट लिखा जाएगा, तो ये आ गया 5 और ये इसमें ऐड हो जाएगा 202, तो इसका आंसर हो गया 2025। समझ गए? यानी आपको ये भी फॉर्मूले आ रहे हैं तो आप स्क्वायर्स भी फाइंड कर सकते हैं और क्यूब्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिवाइड और क्यूब है, क्यूब के लिए आपको 3 नंबर्स का मल्टीपल, ये तो दो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, उसके लिए आपको 3-3 नंबर्स का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तभी आप क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 3-3 नंबर्स का मल्टीप्लाई और बाद में डिवाइडेशन शुरू किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। Have a nice day. Thank you.